अयोध्या राम मंदिर समेत तमाम बड़े फैसलों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी फैसला जजों का पर्सनल फैसला नहीं होता है। एक इंटरव्यू में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि संघर्ष के लंबे इतिहास और अलग अलग दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में एक स्वर में फैसला सुनाने का फैसला लिया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या केस का फैसला जजों ने सर्वसम्मति से लिया। जज किसी भी मामले में निर्णय संविधान एवं कानून के अनुसार करते हैं। वहीं समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बारे में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी मामले का परिणाम कभी भी न्यायाधीश के लिए व्यक्तिगत नहीं होता है। हालांकि समलैंगिक जोड़ों ने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और यह बात उनके ध्यान में थी। एक बार जब आप किसी मामले पर फैसला कर लेते हैं तो आप परिणाम से खुद को दूर कर लेते हैं। एक न्यायाधीश के रूप में हमारे लिए नतीजे कभी भी व्यक्तिगत नहीं होते। मुझे कोई पछतावा नहीं है। हाँ, कई बार जिन मामलों में फैसला सुनाया गया उनमें मैं बहुमत वाले फैसलों में था और कई बार अल्पमत वाले फैसलों में था। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था, लेकिन समलैंगिक लोगों के लिए समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा की बात कही थी। वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक न्यायाधीश के जीवन में महत्वपूर्ण बात कभी भी खुद को किसी मुद्दे से नहीं जोड़ना है। किसी मामले पर फैसला करने के बाद मैं इसे वहीं छोड़ देता हूं। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसकी आलोचना पर उन्होंने कहा कि न्यायाधीश अपने निर्णय के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, जो फैसले के बाद सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है और एक स्वतंत्र समाज में लोग हमेशा इसके बारे में अपनी राय बना सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां तक हमारा सवाल है तो हम संविधान और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए आलोचना का जवाब देना या अपने फैसले का बचाव करना उचित हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।